नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2019 की एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में, जिसके बारे में बताया गया है कि रिजल्ट की डेट अनाउंस कर दी गई है और उसकी पीईटी की डेट भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया गया था कि जो है 15 तारीख के बाद रिजल्ट कभी भी आ सकता है, वैसा ही हुआ। तो हमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उससे पहले हम इस बारे में डिस्कस करें, सबसे पहले हम ये कह देते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, तभी जो है हम आगे की जानकारी के लिए अप टू डेट रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2019 के बारे में, जिसमें हमने कहा था कि जो है 15 दिसंबर के बाद पीटी की या रिज़ल्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है, और वैसा ही हुआ। आप देखेंगे कि जो है आज ही की डेट में, 13 तारीख की डेट में एक नोटिस पब्लिश हुआ है, जो अधिकतर RRC वेबसाइट पे अपडेट कर दिया गया है, जिसके अंदर 17 तारीख को जो है 17 तारीख से लेके जो है एग्ज़ाम जो है 11/10/2022 तक हुए थे, जिसकी जो है अनाउंसमेंट करी है कि 24 तारीख, बिफोर ऑन 24, यानी कि 24 तारीख से पहले पहले कभी भी रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट हो सकती है। तो हमने कहा ही था कि 15 तारीख से के बाद कभी भी रिज़ल्ट आ जाएगा, आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, और वैसा ही हुआ। और यूट्यूब चैनल वाले भी बोल रहे थे, जैसा कि उनका अपना अपना ओपिनियन था, हमारा अपना ओपिनियन था, लेकिन जो है मेन है रिज़ल्ट आने से, बच्चों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिज़ल्ट आना, कैसे भी आए किसी भी आए। और आज हमने देखा था कि ट्विटर हैंडल पे अपना जो है रिज़ल्ट के लिए काफ़ी ट्रेंड कर रहा था, और बच्चों ने काफ़ी एफर्ट भी लगाया है, अच्छी बात है। तो जो है इसका पीटी के बारे में, जैसा कि पहले से ही बताया गया है कि जो है शेड्यूल है जनवरी में, यानी जनवरी के सेकंड वीक या फर्स्ट वीक तो मुश्किल ही लगता है, लेकिन हाँ सेकंड वीक से 100% पॉसिबल है कि अपना जो अलग अलग RRBs हैं, RRC हैं, वो अपना फिज़िकल कंडक्ट कराएंगे, और ज़्यादा दिन फिज़िकल चलेगा नहीं, मैक्सिमम 2 मंथ या उससे कम, पर 1 महीने से ज़्यादा चलेगा, क्योंकि कुछ एक बार में रह जाते हैं तो वो अगली बार के लिए उनको बुलाया जाता है और इसके लिए मैनेज किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 2 महीना, 2 महीना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में ही निपटा देंगे ये, या 1.5 महीने हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो है ये 13 तारीख की डेट में आया है, और अधिकतर RRC की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है, और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि हमने कहा ही था कि 15 तारीख के बाद कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है या उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है, और वैसा ही हुआ। अब आने वाली 24 तारीख को जो है ये 24 से पहले ही रिज़ल्ट आ जाएगा, और ये बहुत बहुत बधाई हो सारे अप्रेंटिस कैंडिडेट्स के लिए और जनरल कैंडिडेट्स के लिए भी। अप्रेंटिस वालों का तो फिज़िकल होना नहीं है, तो उनको पीटी से कोई मतलब नहीं है, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट से तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको इम्पोर्टेंट ये था कि जो है कट ऑफ़ कैसे बनेगी। तो अब इस पीटी के लिए जब बुलाया जाएगा 1.5, यानी लगभग तीन गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, वो बाकी तो रेलवे का अधिकार है, उससे ज़्यादा भी बुला सकता है, पर मैक्सिमम 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो 3 गुना में जो है रिज़ल्ट आउट करना पड़ेगा। अब ये देखना है कि रिज़ल्ट अप्रेंटिसशिप का जो है नॉर्मल कैंडिडेट्स के साथ आता है या फिर अलग आता है। तो ये न्यूज़ आने से ये तो फ़ायदा हुआ है कि कम से कम रिज़ल्ट की सुगबुगाहट तेज़ हुई है। तो बस थोड़े ही दिन रह गए हैं 24 तारीख में, आज लगभग 13 तारीख हो ही गई है, तो ज़्यादा दिन नहीं है, आप इंतज़ार करिए, 24 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा तो आपके लिए अच्छा ही होगा। अप्रेंटिस कैंडिडेट की कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी, इसके बारे में डिस्कस हमने कर लिया है पहले भी, सेफ जोन जो है वो भी बता दिए गए हैं, हार्ड जोन वैसे अप्रेंटिस में कोई है नहीं, अप्रेंटिस कैंडिडेट के लिए सारे सेफ ही जोन हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ अप्लीकेशन से ज़्यादा वैकेंसी से ज़्यादा अप्लीकेशन आई हुई है, लेकिन वो एक अपवाद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। इस बार अप्रेंटिस के कैंडिडेट का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, और होगा भी, बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन जो है इस रिज़ल्ट के आने से, अनाउंसमेंट होने से ये फ़ायदा हो गया है कि जो है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो है इतने दिन का सब्र जो है पेशेंस जो है वो रंग लाया, और आपका ट्विटर हैंडल जो ट्रेंड कर रहा था, जिसमें आप सब बच्चों ने एफर्ट करी है, वो भी हो गया है। तो 24 तारीख से पहले पहले कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है, और जनवरी के सेकेंड वीक से आपका फिज़िकल 100% है कि वो चालू हो जाएगा, क्योंकि और RRB जो है RRC ने जो है वो ग्राउंड को बुक कर लिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मोस्टली ये रेलवे ग्राउंड में ही होते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एक एक कैंडिडेट्स को जिन्होंने इतना एफर्ट लगाया और जो है अपने रिज़ल्ट के लिए संघर्ष किया, क्योंकि रेलवे में बिना संघर्ष करे कैंडिडेट को कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है, और 1 हफ्ते के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो आपकी, और बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर, थैंक यू।